शास्त्र कहते हैं कि भगवान सबके भीतर रहता है। यदि सबके भीतर भगवान रहता है तो बलात्कार करने वाला क्या उसके भीतर ईश्वर नहीं था जब उसने बलात्कार किया? चोर के भीतर क्या ईश्वर नहीं था जब उसने चोरी की? यदि ईश्वर था तो उसे ऐसा गलत काम करने से रोका क्यों नहीं? यदि नहीं रोका तो यह सिद्ध हो गया कि ईश्वर नहीं था। यदि होता तो रोकता, हाँ या ना? आईएस को क्लियर करते हैं। मेरी माँ, हम लोग ना गलत फहमी में जीते हैं, हम लोगों को उचित ज्ञान नहीं है। हम लोगों को लगता है भगवान सबके भीतर है, है लिखा है ग्रंथों में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सीय राम मय सब जग जानी, निज प्रभु मय देख ही जगत के हिसन करहिं विरोध, सर्वम खल विदम ब्रह्म लिखा है, सोहम लिखा है, लिखा है ग्रंथों ने कि सबके भीतर ईश्वर होता है। फिर प्रश्न ये खड़ा हुआ कि सबके भीतर यदि परमात्मा है तो गलत करने वाले को रोका क्यों नहीं? आज मैं आपको बताऊंगा कि ईश्वर रहता तो है पर किस रूप में रहता है, ये समझिएगा। देखिए ये लाइट, आपके घर लाइट है कि नहीं? है, लाइट है। आपने अपने घर की बोर्ड में यदि हीटर का प्लग लगा दिया तो कमरा क्या हो जाएगा? हीटर का प्लग लगा दिया तो कमरा क्या होगा? जोर से बोलो। एसी का प्लग लगा दिया तो कमरा क्या होगा? एसी का प्लग लगाएंगे तो कमरा ठंडा होगा, हीटर का प्लग लगाएंगे तो कमरा गर्म होगा। अब आप बताओ कि बिजली गर्म थी या ठंडी थी? बोलो। बिजली ना तो गर्म थी ना तो ठंडी थी। बिजली तो एक पावर है, वो सिस्टम को पावर देती है, उसके बाद सिस्टम अपने आप को एक्टिव करता है। उसमें जो सिस्टम जो फिक्सर होते हैं वो गर्म का है या ठंडा का है? बिजली गर्म नहीं होती, ठंडी नहीं होती, वो केवल पावर दे सकती है। उसके बाद हीटर का प्लग लगाना कि एसी का प्लग लगाना वो मर्जी आपकी है। उसी प्रकार जैसे हर घर में सुख तवा में जितने घर हैं, हर घर के बोर्ड में बिजली है या नहीं? हर बोर्ड में बिजली है, उपयोग कैसे करना है वो आपकी मर्जी। ऐसे हर जीव के अंदर ईश्वर है पावर के रूप में। ईश्वर केवल पावर है, शक्ति है। अब उस शक्ति का सदुपयोग करना है या दुरुपयोग करना है, ईश्वर ने आपको बुद्धि दे रखी है कि नहीं? यदि हम आपसे कहें कि गड्ढे में गिर जाओ, कुएं में कूद जाओ, तो क्या आप कूद जाएंगे? कहो मेरी माँ। यदि हम आपसे कहें कि कुएं में कूद जाओ तो क्या आप कूद जाएंगे? हाँ या ना? नहीं ना? क्यों नहीं कूदेंगे? क्योंकि आपको पता है कि ये गलत है और ये सही है। आपको सही गलत का ज्ञान है, आपके पास सही गलत की थिंकिंग है, सही गलत का ऑप्शन है। आप निर्णय करिए कि ये सही है या गलत। ईश्वर तो केवल आपको शक्ति दे रहा है देखने की, सूंघने की, चलने की। अब देखने की शक्ति ईश्वर ने तो दे दिया, पर देखना किसे है? स्त्री को देखना है, पुरुष को देखना है, या गिरधर गोपाल को देखना है? वो मर्जी तो आपकी होगी ना। प्लक आपने किसका लगाया, वो मर्जी आपकी। आंख का काम है देखना, अब अच्छी चीज देख रहे हैं या बुरी चीज वो आप पर निर्भर करती है, आपकी मानसिकता पर निर्भर करती है। ईश्वर तो सबके भीतर है भक्तों, पर वो केवल पावर के रूप में है। वो शक्ति प्रदान करता है, आंख को शक्ति देता है देखने की, कान को शक्ति देता है सुनने की, जिह्वा को शक्ति देता है स्वाद की। यदि वो परमात्मा निकल जाए तो हमारी आंख काम नहीं करेगी ना, एक्टिव नहीं है। बिजली चली जाए तो प्लग तो है, हीटर का भी प्लग लगा दो, एसी का भी लगा दो, पर बिजली चली जाए तो क्या करेगा हीटर और क्या करेगी एसी? तो एसी और हीटर तभी काम करेगा जब बिजली होगी। तो ईश्वर आपके भीतर एक चेतना के रूप में उपस्थित है, एक शक्ति के रूप में, एक पावर के रूप में उपस्थित है। अब उस पावर का आपको सदुपयोग करना है, दुरुपयोग करना आप स्वतंत्र है ना।